गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉस एंड प्रॉफिट, गेन एंड लॉस ये सब बतला रहे थे। तो प्यारे बच्चों, लॉस ये फार्मूला पहले याद कर लीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि उसको बनाने के पहले उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। अगर बनाने के पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं कि कोई ऐसा मैथ नहीं है कि आपसे नहीं बन पाए। टोटल मैथ्स आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 5 कहता है एक कार खरीदा, तो कार खरीदा तो इतना क्या किया, इतना उसको माने कोची ओवरहेड खर्च है, इतना में कार खरीदा, इतना रुपये में, ठीक है, 7 लाख, कितना 73,500 में, और इतना उसको इनकम टैक्स लग गया, इतना रिपेयरिंग लगा, ये रिपेयरिंग में खर्च हुआ, इतना इनकम टैक्स लगा, तो टोटल उसको कितना आ गया, टोटल उसका कॉस्ट बताएंगे ना, टोटल आपका कॉस्ट इतना रुपीज हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस इतना हुआ, माने ये जो 4 माने ओवरहेड जो लगा वो कॉस्ट प्राइस में आएगा। याद रखिएगा, बिजनेस का ये नियम है कि जो भी ओवरहेड खर्च होगा वो सब कॉस्ट प्राइस में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से जा कर करके मार्केट जा करके वो कॉपी खरीदें, तो अगर बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो 5 रुपीज़ में कॉपी लिए और 1 रुपीज़ टेम्पू भाड़ा लगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना मानिए, 5 रुपीज़ और 1 रुपीज़ ऐड कर दीजिए, 6 रुपीज़, तो उसी तरह से ओवरहेड कॉस्ट प्राइस में आया। और उस सेलिंग प्राइस उसका कितना है, देखिए कितना में वो बेचा, 84,240 रुपीज़ में बेच दिया। तो अब ये बताइए कि उसको लॉस हो गया, लॉस हुआ ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया, सेपरेट कर दिए, लॉस इक्वल टू क्या पड़ते है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका 2,160 रुपीज़ लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या पढ़े, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई CP इंटू 100, इसको जो है मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, 4 से इसको इसको डिवाइड किया, फिर जो आया तो यहाँ लिख दिया है ना, फिर इसको डिवाइड कर करके मैंने किया, तो ये 5/2 आ गया, 5/2, देख लीजिए प्यारे बच्चों कैसे डिवाइड हो गया, तो 5/2 इट मीन्स 2 complete 1/2%, इतना लॉस हो गया उसको। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अब 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 प्रकार का राइस लिया, 20 किलो राइस लिया, समझ गए ना, तो 20 किलो राइस के कैसे 36 रुपीज पर केजी वाला लिया, 20 केजी राइस लिया 36 रुपीज पर केजी, और 25 केजी राइस जो लिया तो 32 रुपीज पर केजी, तो टोटल 45 केजी राइस हो गया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या किया आप, 20 × 36 कर दिया, एक प्रकार का जो राइस लिया, और सेकंड टाइम राइस लिया तो उसको 25 × 32 किया, बात समझिएगा है ना, तो ये और ये दोनों को ऐड कर दिया, मल्टीपल करके ऐड किया, तो आपको कितना 1520 आ गया। कितना आसान है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक जो राइस है 30 रुपीज पर केजी, 20 केजी लिया, इसका कितना हुआ प्राइस, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, और दूसरा 25 केजी लिया 32 रुपीज पर केजी वाला से, तो उसका प्राइस इतना हो गया, तो टोटल 45 केजी राइस दोनों मिला दिया, अब मिला दिया तो 25 केजी राइस का प्राइस कितना हो गया, 1520 रुपीज। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 केजी, पहले बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ 25 केजी राइस, तो 45 केजी ना, 45 केजी राइस,
तो आपका कैसे बेच रहा है मिला कर करके मिक्स कर करके, वह 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो 45 × 38 = 1710 रुपीज इसको आया कॉस्ट सेलिंग प्राइस हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ था तो आप समझिए कि क्या हुआ था, गेन हुआ था। द गेन इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा 190 रुपीज गेन हमको आ गया। तो गेन जब मालूम हो गया तो गेन परसेंट कैसे निकालते, गेन बाय सीपी, सेलिंग प्राइस इतना है 15 रुपीज 20 और इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है, इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। कितना से डिवाइड किए दोनों को देख लीजिए प्यारे बच्चों, पहले तो 10 से 10 इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर दिए। अब देख लीजिए इसको भी डिवाइड कर दिए, है ना, 19 8 जा 19 8 जा 152, है ना। अब इसको 5, ठीक है ना, 2 से तो 5 8, अब इसको काट दिए तो 2 5 5 5 25 2, लास्ट में 2 बचा था तो 12 कंप्लीट 1/2% गेन हुआ। इजी है। अब 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए, 7 क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, कहता है कि कॉफी जो लिया तो कॉफी का वह मिक्स कर रहा है, क्या चीज, कॉफी में चाइकोरी मिक्स करता है, है ना, कॉफी में, ठीक है। तो उसका रेशियो, मिक्स करने का रेशियो क्या है, 5:2 है। प्लीज रीड द क्वेश्चन, मिक्स करने का रेशियो कितना है, 5:2 है। तो हम सिंपल काम किए, 5:2 को 5 kg मान लिया, लोगों को 2 kg मान लिया, है ना। तो लिखे कि द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 5 kg कॉफी, अब समझ लीजिए 5 kg कॉफी तो कैसे उसको खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 250 रुपीज पर केजी, तो 5 kg की कितना हुआ, मल्टीपल कर दिए 1225। अच्छा, और ये जो चाइकोरी जो खरीदा वह कैसे 75 रुपीज पर केजी था, तो 2 kg, तो 2 kg की कितना हो गया 150 रुपीज। तो दोनों मिला के कितना हो गया 7 kg, दोनों मिला के कितना हो गया 7 kg, जो मिक्स कर दिया। तो इसीलिए लेके कॉस्ट ऑफ 7 kg मिक्स्ड कॉफी, वो मिक्स किया हुआ कॉफी बेच रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 1250 और प्लस 150, तो दोनों ऐड कर देंगे तो जो आएगा तो लिख देंगे, तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 7 kg का, और सेलिंग प्राइस ऑफ 7 kg मिक्स्ड, तो मिक्स्ड कैसे बेच रहा है 230 रुपीज पर केजी, 230 × 7 जो आएगा तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम हो गया तो गेन या लॉस मालूम हो जाएगा, और लॉस जब गेन या लॉस मालूम हो गया तो फिर क्या लेंगे, परसेंट निकाल देंगे, लॉस या गेन परसेंट निकाल देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल मैं बना दूंगा, आराम से बन जाएगा ना, समझ लीजिएगा मैं हिंट दे दिया, बनाना आपको है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथ प्यारे बच्चों बनाएंगे, लेकिन बनाने के पहले 2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, एकदम बहुत ईजी से बन जाता है। थैंक यू।